हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनेमिक स्टडीज। आज के हमारे वीडियो अगेन सीडीपी के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन से है। आज हम अगेन सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता। तो जो आपका नहीं है उसके ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मार्क करना है, क्योंकि जो नहीं आपके ऑप्शन है नेगेटिव आंसर बन जाता है इसमें। तो आपको नहीं के ऊपर ऑप्शन क्लिक करना है। पहली बात, आपको नहीं के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, देन उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलिए अगर हम ऑप्शन नंबर वन देखें, बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक वाइल सॉल्विंग समथिंग, तो ये तो आप लोगों का पॉजिटिव वे में चला जाएगा, क्योंकि बी ऑनेस्ट, अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए आपको समझना चाहिए, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए कि आपकी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अगर आप वही सेकेंड ऑप्शन की बात करें, यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक यूज ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स, कि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को, अपने यूजेस को, अपने थिंकिंग पावर को यूज करें ताकि आप चीजों को समझ सकें, तो ये भी अगेन आपका एक पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट है आपका आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर, कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछें जो आपके कन्वर्जेंट आंसर्स देते हो, तो ये आपका एक नेगेटिव वे में आंसर हो जाता है। फिर भी हम ऑप्शन नंबर फोर देख लेते हैं एक बार, डिस्कस योर थॉट्स प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि आप अपनी थॉट्स का इस्तेमाल करें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो आपका ये एक नेगेटिव आंसर है, और नेगेटिव आंसर नॉट के अकॉर्डिंगली आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आप, अगर आपको नॉट दिया जाए तो आपको अपने ऑप्शन में एक नेगेटिव आंसर ढूंढना होता है, और वही नेगेटिव आंसर आप लोगों का आंसर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फिर अगेन एक बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, कि चारों में से कौन सा एक इमोशन है। अगर आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ अटेंशन स्टिमुलस और मेमोरी की बात करें तो ये आपके एक इमोशन नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपका एक एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। बट अगर हम फियर की बात करें तो फियर आप लोगों का एक इमोशन हो जाता है, तो फियर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड एक्सप्लेन दैट मिल्क इज प्रोड्यूस बाय अ मैकेनिक मशीन, सॉरी मैकेनिक नहीं मशीन, एट द मिल्क बूथ, कि एक तीन साल के बच्चे ने एक्सप्लेन किया है कि जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है मिल्क बूथ पर, जहाँ मशीनों से उसको बनाया जाता है। तो ये इस तरीके की एक्सप्लेनेशन को बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का कौन सा पार्ट माना जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्या चाइल्ड आंसर बेस्ड है उसके एक्सपीरियंस पर, कि उसने इस तरीके की चीजों को बार बार एक्सप्लेन किया है, बार बार एक्सपीरियंस किया है। ऑप्शन नंबर सेकंड, द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउ, क्या बच्चे ने कभी काउ को नहीं देखा, या चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर द स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, कि एक बच्चे की जो चाइल्ड की जो फैमिली है वो उसको उसके स्टिमुलेट के लिए और उसके स्टिमुलस के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करती, उसको उसकी एनकरेजमेंट नहीं करती चीजों को सीखने के लिए, या लास्ट ऑप्शन, चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सप्लोजर ऑफ द वर्ल्ड, कि बच्चे के पास चीजों को सीखने के लिए बहुत ही सीमित एनवायरमेंट है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर वन देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर बन जाता है आप लोगों का, कि चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ, कि एक बच्चा चीजों को सीखता है उसकी एक्सपीरियंस से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर्स रोल, कि इनमें से कौन सा ऐसा रोल है जो टीचर का एक बेस्ट रोल कहलाता है। अ टीचर शुड एडहर टू द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, कि एक टीचर सिर्फ पाठ्यक्रम का पालन करे, या फिर कंप्लीट कराए सिलेबस को टाइम पर और इनफ टाइम दे रिवीजन के लिए, या क्रिएट करे रिलैक्स स्पेस वेयर द चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग, जहां बच्चा चीजों को सीख सके, अपना एक स्पेस क्रिएट कर सके चीजों को सीखने के लिए, अपनी इंक्वायरीज को बढ़ा सके, या लास्ट ऑप्शन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द टीचर इन द क्लासरूम टू मेंटेन डिसिप्लिन, क्योंकि एक टीचर का रोल है दैट टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। तो अगर हम यहाँ पर टीचर के रोल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज बच्चे के लिए जरूरी है कि वो अपने एक स्पेस को खो
लर्निंग पावर को बढ़ाए, और वो लर्निंग पावर जब ही आ सकती है जब बच्चा चीजों को आसपास क्वेश्चंस करे, चीजों को आसपास से सीखे, ना सिर्फ रिवीजन कर या सिलेबस को टाइम पर पूरा कर या सिर्फ अपने पाठ्यक्रम का पालन करके या टीचर को एक क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके। रोल पूरा कंप्लीट नहीं होता, टीचर का रोल कंप्लीट होता है जब बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देती है जहाँ पर बच्चा चीजों को बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ सीखता है, नए नए तरीकों से सीखता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आपका एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेज, कौन सी क्लासरूम है जो बच्चों की लर्निंग को एनकरेज करती है। क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटीज, जहाँ बच्चों के लिए ओपन एक्टिविटीज होती हैं, चिल्ड्रन को लिटरेचर इन ओपन शेल्फ एक्सेसिबल एट एनी टाइम, जहाँ पर बच्चा किसी भी टाइम पर अपनी चीजों को लिटरेचर को सीखे, या क्लासरूम विद द नीटली ऑर्गेनाइज हो कबर्ड्स में, लेकिन वो सिर्फ वीक में एक ही बार उसको पढ़े उसको सीखे, या क्लासरूम विद स्ट्रक्चर एंड प्लान लर्निंग के साथ होना चाहिए जहाँ पर टेक्स्ट बुक का कंटेंट भी प्रोवाइड हो। देन क्लासरूम विद अ वैरायटीज ऑफ मटेरियल डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन वो बच्चे की पॉज से बाहर हो, तो कभी भी बच्चे की पॉज से बाहर कोई चीज होती है तो वो उसकी लर्निंग का पार्ट नहीं होता। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों को बताया गया है कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर जहाँ बच्चे की पॉज से बाहर हो, तो अगर ऑप्शन नंबर 4 हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 में अगर कोई भी लर्निंग बच्चे की पॉज से बाहर हो, बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाया, तो वो लर्निंग बच्चे के लिए कंप्लीट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका अगेन एक नेगेटिव आंसर बन जाता है। वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो एक आपका एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के लिए एक प्लानिंग लर्निंग भी दी गई है विद टेक्स्ट बुक कंटेंट के साथ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपसे टेक्स्ट बुक के ऊपर क्वेश्चन है क्लासरूम का। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक, कि आपको टेक्स्ट बुक का रोल डिस्क्राइब करना है कि एक टेक्स्ट बुक का क्या रोल होना चाहिए क्लासरूम के अंदर। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें क्लासरूम में, क्या ये सिर्फ एक मेंटेन करके होमोजेनिटी की, जहाँ पर क्लास में सब बच्चे एक ही तरीके के पाठ्यक्रम को सीखें, या दे प्रोवाइड गाइडेंस टू द टीचर कि बच्चों को क्या सिखाना है, टीचर और पेरेंट्स को गाइड करती है, या दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग, जरूरी लर्निंग चीजों को सिखाएं, या फिर दे आर वन ऑफ द रिसोर्स रेफरेंस मटेरियल, ये सिर्फ एक रिसोर्स रेफरेंस मटेरियल है जो चीजों को सिखाता है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 की बात करें तो ये भी आप लोगों के आंसर हो सकते हैं, बट क्योंकि हमारा रूल कहता है कि एक अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन में से होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एक अप्रोप्रिएट आंसर है, जहाँ मोस्ट एसेंशियल लर्निंग बन जाती है, रिसोर्स बन जाता है बच्चों को चीजों को सिखाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस चीज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप चीजों को आपको सिखाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, जहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इसकी फुल फॉर्म है ये NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए और इससे रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आप लोगों को क्या बताते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग को बताता है, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरीज या फिर ह्यूमेनिज्म। अगर हम बात करें नेशनल फ्रेमवर्क की, तो नेशनल फ्रेमवर्क हमारा एक कंस्ट्रक्टिविज्म है, जहाँ पर चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, चीजों को सिखाया जाता है उसको कंस्ट्रक्ट करके, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन बी कंसीडर टू बी मोटिवेटेड, एक क्लासरूम में बच्चे को कब मोटिवेटेड कहा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं। क्या मेंटेन करके डिसिप्लिन को क्लास में, या बच्चे की रेगुलर अटेंडेंस को देखकर, या फिर वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को पूछता है, अपनी क्लैरिफिकेशन को करता है टीचर से, या टीचर नीटली ड्रेस इन द यूनिफॉर्म, कि जो बच्चे हैं स्कूल में ड्रेस यूनिफॉर्म को बिल्कुल नीटली पहन कर आ रहे हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर 3 हम देखें ध्यान से, तो क्लैरिफिकेशन करना बच्चे का एक मोटिवेशन थ्योरी होती है, जहाँ बच्चा अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को क्लैरिफाई करता है अगर उसे कोई भी डाउट रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत ही इजीएस्ट चीजें हैं ये आपकी, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आपके सीटेट में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, इनमें से कौन सा एक सुटेबल ऑप्शन है जो बच्चे की लर्निंग को सीखने में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो टीचर शुड एक्सप्लेन, क्या टीचर को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स से चीजों को सिखाना चाहिए, या ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटीरियल शुड बी देयर, हर तरीके का मटीरियल क्लासरूम में अवेलेबल होना चाहिए, या फिर टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट ईच अदर, कि टीचर बच्चों को आपस में इंटरेक्ट कराए, उनसे रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनको सिचुएशन देकर चीजों को सिखाए, या ऑप्शन नंबर फोर रेगुलर असेसमेंट करें, उनके टेस्ट को कंडक्ट करें। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आप लोगों की चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से जब ही होती है जब बच्चा एक दूसरे को इंटरेक्ट करे, बच्चा एक दूसरे की चीजों को रियल लाइफ के साथ, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़े, तभी बच्चा चीजों को नए तरीके से, नए एंगल से सीख पाते हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल, एक डिसिप्लिन का जिसका सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारी लर्निंग में, एनवायरमेंट में, काइंड ऑफ क्या हेल्प करता है वो हमारी, क्या वो क्रिएट करता है साइलेंस को, या टीचर टू गिव इंस्ट्रक्शन, टीचर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या चिल्ड्रन रूट मेमोराइज। देखिए रूट मेमोराइज की अगर हम बात करें तो रूट मेमोराइज आप लोगों का एक नेगेटिव आंसर हो जाता है, तो रूट मेमोराइज आप लोगों का नेगेटिव आंसर होने की वजह से तो ऑप्शन ही आपका गलत हो जाता है, या फिर चिल्ड्रन रेगुलेट मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, कि बच्चा अपनी बच्चे को रेगुलर मॉनिटर करें, उसकी लर्निंग को उसको सिखाएं ताकि बच्चा चीजों को सीख सके। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल, या डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज को सीखने में, तो इनमें से अगर हम ऑप्शन नंबर फोर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर आप लोगों का एक करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि चिल्ड्रन रेगुलेट करता है, मॉनिटर, चिल्ड्रन टू रेगुलेट, बच्चों को रेगुलेट किया जाए, बच्चों को चीजों को सिखाया जाए ताकि एक बच्चा रेगुलेट मॉनिटर होने के साथ साथ चीजों को सीखे, अगर उसकी कोई भी गलती या कोई मिस्टेक रहती है, एरर रहती है, तो उसको टाइम टू टाइम करेक्ट कर बच्चों को एक इम्प्रूवमेंट में डाला जाए। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग अपने इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन का एक्सपीरियंस हो। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ऑप्शन से ही हमारे क्वेश्चन की फॉर्मेशन बनती है, और आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट तरीके से ऑप्शन को दिया जाता है, तो इसलिए आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। बहुत ईजी सीडीपी का पोर्शन है ये हमारा, अगर आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे सीडीपी में ना गेन हो सके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।